और बुलेटिन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर के साथ करेंगे। गृह मंत्री के कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। थोड़ी देर बाद गांधरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर जाने का प्लान है। खीर भवानी मंदिर कश्मीर में हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र है। यहां माता का आशीर्वाद लेने गैर हिंदू भी पहुंचते हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने, कैसे तीन दिन की अमित शाह की यात्रा रही। पहला दिन जब वो शहीद जवानों के परिवार वालों से मिले, दूसरा दिन जब सुरक्षा व्यवस्था को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरा दिन आज मंदिर जाने का कार्यक्रम। और इससे पहले कल गृह मंत्री आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी पोस्ट तक पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान सरहद पर तनाव तेज है, तो जवानों का हौसला बढ़ाने गृह मंत्री अमित शाह खुद आरएसपुरा सेक्टर में बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंच गए। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की आखिरी चौकी पर पहुंचकर गृह मंत्री ने बीएसएफ की चौकी में अधिकारियों से बात की। दूरबीन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को देखा। दौरे में शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ थे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तीन दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर। शाम अचानक जम्मू में गुरुद्वारा में लोगों से मिलने के बाद, माइनॉरिटीज में विश्वास जगाने की कोशिशों के बाद, वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के ये तमाम जवान हैं, और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनकी पूरी दौरे में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कड़ा संदेश है उस भारत और पाकिस्तान की सरहद से सीधे पाकिस्तान को, जो लगातार घुसपैठ से लेकर अलग अलग कोशिशें करता है, जिसको नापाक करते हैं हमारे सैनिक। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच गृह मंत्री के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। शाह का बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पर जाना पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने। उन्होंने कुछ कहा है कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कुछ आपको ऐसा कहा कमांडर्स को ग्राउंड पे? देखिए, उन्होंने एक तो सराहना की है कि बीएसएफ के जवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम को उन्होंने सराहा है। और दूसरा कि आगे जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा पूरा जो है वो सहयोग दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में भारत की सीमा के अंतिम गाँव मकवाल भी गए। वहाँ गृह मंत्री ने गाँव वालों से मुलाकात की। गाँव वालों के साथ ही खटिया पर बैठे, वहीं पर चाय की चुस्की ली। अमित शाह ने खुद ही एक नागरिक का फोन मांगकर अपना नंबर सेव किया, साथ ही ये कहा कि जब भी जरूरत हो वो सीधे कॉल कर सकता है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। इससे पहले पाकिस्तान सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर के जेडीए ग्राउंड में शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मुझे बताओ आप, देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो, जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल। कश्मीर दौरे के पहले दिन गृह मंत्री ने श्रीनगर में युवाओं से बात की थी, उनकी जरूरतों के विषय में जाना था। जबकि दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के लिए सरकार के प्लान का खुलासा किया। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है, नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं,
इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। मिशन कश्मीर के तीसरे दिन आज अमित शाह पुलवामा जाकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वो SKICC में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जम्मू से अंजना ओम कश्यप और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। कमल जी संधू में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। कमल जी, आज क्या प्रोग्राम रहने वाला है अमित शाह का और क्या आज ही वापसी है उनकी? बिल्कुल, आपको सीधे बता दूं कि सबसे पहले का जो कार्यक्रम है वो खीर भवानी मंदिर में जाके गृह मंत्री अमित शाह माथा टेकेंगे। आपको पता होगा कि ये जो मंदिर है वो काफी रिवर्ड है, यानी काफी कश्मीरी पंडित के लिए प्रोमिनेंट टेंपल माना जाता है और वहां पे जाना अपने आप में सिंबॉलिक होगा। जम्मू में वो गुरुद्वारे में गए थे और यहाँ पे ये खीर भवानी मंदिर गए हैं, तो एक तरह से मैसेज जा रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये एक अहम विजिट है। उसके सीधा बाद वो वहां से SKICC आएंगे। ये अभी तय नहीं है कि जो डेलीगेशन उनसे मिल रही हैं और हमें बताया गया है इसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कश्मीरी पंडित हैं, सिख डेलीगेशन हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ से हैं, शिकारा वाला की तरफ से हैं, इस तरह से कई ऐसे डेलीगेशन लगाए गए हैं जिनको इन्वाइट तो किया गया है, लेकिन मुलाकात क्या SKICC में होगी या फिर उन्हें SKICC तो बुलाया गया है वहां से या तो राजभवन ले जाया जाएगा, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो SKICC में ही उद्घाटन होगा। काफी वहां पे इनॉग्रेशन किए जाएंगे कई प्रोजेक्ट्स के, उसके अलावा डेलीगेशंस के साथ मुलाकात है, एक छोटी रैली की भी बात हो रही है, एक रंगारंग प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है जहां पे सूफी म्यूजिक होगा। वहां का कल्चरल जो प्रोग्राम है उसमें कुछ जो लोकल डांस है उसको भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमें बताया गया है वो लेथपोरा जाएंगे पुलवामा में, वहां के ग्रुप सेंटर 185 बटालियन के ग्रुप सेंटर में जाएंगे जहां पे वो श्रद्धांजलि देंगे उन सारे मृत जवानों को, खासतौर पर CRPF के जो शहीद हुए थे। आपको भी याद होगा 14 फरवरी 2019 में जहां पे एक फिदायीन हमले में ये 40 जवान।